क्योंकि सारा कुछ हमने कर देना है। ये मामू हमारे जो है ना यहाँ पे बोल गए थे हेलमेट, ये दो तीन दुकानें हैं। एक्टिंग का मास्टर है, एक्टिंग का मास्टर। वेलकम बैक विद अनदर दो वे। तो अभी हम जा रहे हैं बेगूकोट, तो हमें गोश्त लेना है। गोश्त लेने के अंदर ना सरप्राइज देना है फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि नहीं पता कि हम गोश्त क्यों लेके जा रहे हैं। हमने उनको जाकर सरप्राइज जब देना है ना, सरप्राइज उनको पता लगे कि यार हमने तुरंत नहीं मारे कि हमें ना खाने दिया था कि आप लोग आ जाते हो अपना खाना शाना खा के आए करो। तो हम लोग सामान खुद लेके जा रहे हैं, उन्हें सरप्राइज देना है, ठीक है। क्या है कि मामा वाले तरफ से दिया भाई, हम बेगूकोट जा रहे हैं। दुकान है तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आके मामू हमारे जो है ना यहाँ पे बोल गए थे हेलमेट, ये दो तीन दुकानें हैं उनके पास आए हैं। यहाँ पे हेलमेट देख के गए हैं, इनमें से हमने पता कर रहे हैं यहाँ पे किसका किसके पास हमारा हेलमेट है, पता करते हैं। कौन से भाई है? तो नहीं है तो नहीं बचे है और खड़े मैं ये भाई यहाँ ये पुराने बैठ जाएंगे और हम जो है ना वापस जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए और ये हेलमेट लेके जाएंगे वापस। हम जाएंगे इंजॉय करेंगे तो बाकी ये लम्बा क्या करेगा जल्दी हमें घर जाते। छापा मारने के लिए इधर आ जाओ, इनको पानी ला के दो, सब कुछ चंगा कर दें क्योंकि सारा कुछ हमने कर देना है। अब पर पानी बुला के दिया जाए, पहले पानी ला के दिया जाए ना, पानी भी हमने ला के दिया करना है, ठीक है ना। आप यहाँ भी आ जाओ, पानी हमने ला के देना। चलो चलें, ये पानी दे रहे हैं, पानी देना है, पानी भी देना पड़ेगा। ये जो बच्चा है ये सुबह शोर ही नहीं आता कि जाने उठ जाओ, जाने लेट हो रहे नहीं, खामोशी से जा रहा है। ये वो बच्चा है जो सुबह स्कूल जाते हुए कोई रोला नहीं डालता, कोई शोला नहीं डालता, वो सब कहता है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये पढ़ता नहीं है, ये तो बस आती एक्टिंग का मास्टर है, एक्टिंग का मास्टर ब्रांड है यार। अभी देखो ना टाइम क्या हो रहा है, 2 बजे अभी जाग रहा है, जाग रहा है, सो रही है, एक्टिंग कर रहा था। क्या है कि आप लोग हमें खिलाते कोई नहीं हो, हमें हर दफा ताने मारते हो जी, रोज हमारा जिम वाला मेरे बेसी करता है कि भाई कुछ खा क्यों नहीं रहे, वजन क्यों नहीं बढ़ा रहे। तो आज हम अपने लिए लेके आए हैं, तो आज हम लेके आए हैं कि अपना हमारा गोश्त लेके आए, गोश्त लेके आए कि हमें पका के दें। हाँ बच्चे हैं कोई नहीं, बच्चे सारे उधर छतरे हैं, इधर हम दो अकेले हैं, सारे काम भी करते हैं। ये हमारा हक है, ये हमारा हक ही, हमें खाना है, ठीक है ना, इसलिए हम ये देख रहे हैं। जिंदगी में खाना नहीं खाओ, बस बस यार, आज 2 किलो हम लेके हैं, 800 रुपये हमने भरा अपना, और दोनों गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, हां ऐसे ऐसे रिकॉर्ड काम किए हैं, कोई को तोड़ के दिखाए। हां ये सिल्वर मेडल है, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, और चैन पे कह रहा था मुझसे पंगा लेगा वो, सोच तो जो रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड ऐसे ऐसे काम किए कोई तोड़ के दिखाए। हां तोड़ के दिखाए हमारे, फिर भी सामने कौन सी वाला गोल्ड मेडलिस्ट, चल कितनी हमारे में, तेरे बाप को मत सिखा चल। कुछ लोग इतने जलते हैं कि उनको ना फोसी फोसी याद आती है, लेकिन उनकी लैंग्वेज ही खराब हो गई है, ठीक है ना। और कोई लेके दिखाया जैसा भी है, लेके दिखाया, हां कोई लेके दिखाया, क्या था ना ये, मैं प्लीज
तो आएगी ना डिग्री भी आनी देखो बीए की डिग्री आएगी ना इंशाल्लाह आएगी आएगी ना टेंशन नो तो हम सब लोग हम से हम उम्र के साथ है उम्र का भी बीए है ना अम्मी अम्मी आप कहो कि हम सब को यह तो सामने है हां हम सब को यह तो सामने है वी आर किंग हां वी आर किंग्स को यह तो सामने है कोई ले सकता है सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल को ले सकता है आपके सामने अब हम इतने जल्दी कि फोसी वाले गोल्ड मेडल लेने दिए ये देखिए कमाल है आप बताओ और तेरा मैच इसको कहते हैं जो बढ़ने पे तुम लोग लगे हुए थे ना तो ये बढ़ना इसको कहते हैं इसको बढ़ना ही है ये जो बढ़ने पे बड़े होते हैं ना इसे बढ़ना ही कहते हैं नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आप लोगों ने ये अब हम इस गोश्त को ना अब हम रिवील करने लगे हैं ये गोश्त क्यों आया है किस वजह से आया है सारी सीक्रेट जो है ना सारी बातें नहीं मामला भी आ गया तो हम बैश ऐसे हो रही थी गुफ्तगु हो रही थी हाँ आए थे तो फाद देखिए ना टॉपिक पे बात गुफ्तगु हो रही थी यानी कि कैसे जॉब वगैरह लगानी है सारा कुछ ना बात वगैरह हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी एक काम करें पकड़े पैसे तो ये तीनों घरों में और चौथा आपके घर उधर ना गोश्त दिए हैं तो इधर हम 2 किलो गोश्त लेकर आ गए चलो जी इधर गोश्त लेके आऊँ जाके तो ये गोश्त मामूवानला की तरफ से है जब मैं अभी रिवील कर रही है ये मामूवानला की गोश्त 2 किलो है जो हमने लिए है ठीक है वहाँ पे रेट है 416 रुपये 500 रुपये 490 रुपये ये 400 रुपये किलो मेरा तो ये हमने हाँ ये 400 रुपये किलो तो खानी आप लोगों ने क्या है यार यहाँ हमें पका के खिला दो या हमें खिला के पका के खिला दो मामू ने वो कभी नहीं हाँ मामू फिर उनको पैसे पकड़ा के आ गए हम सब ने कहा हमें पैसे दे हम खुद अपना खरीद लेंगे ये चलो ठीक है हमने 700 दिया भला के बनता हुआ इतना था वाला चलो कितना कितना बता 600 बता देखो 600 बनता हम 400 के लेके आए ना किलो 600 हमने 100 रुपये ऊपर एक्शन दे दिए हम किलो किलो के नहीं दो हमने 400 रुपये किलो लिया हम 3000 दिया था हमें 2 किलो इधर दिया है 120 रुपये की कम आई है जाती साढ़े ना जाती हुई है ना अच्छी एक घंटे बैठे हैं तभी ना चाह भी नहीं पूछी दस है ना चाहे पूछिए ना नहीं ना कुछ पूछिए अभी पूछिए तो मैं पूछिए तो मैं ना करता कभी नहीं चलिए फिर इन्हें सारे साड़ी बेसी की है चलो चलिए तो एलोवेरा बहुत खाते भी सब्जी बनाते इसकी कैसे नहीं सब्जी नहीं बनाते जैसे इसको हाफ जितना मर्जी काट लो इसके ये छिलके जितने वो काट के हाँ। फिर मुंह में डालते हैं हम खाते हैं बड़ी कड़वी होती है यार ये तो खाने के नहीं ये देखिए चेहरे पे लगाने के ओ वाओ खाते दिस इज सो नाइस वाओ ये क्या है सबा सॉरी है ना तोरी शायद और ये भी आई थिंक घिया तोरी है बस वो जब ये सूख जाते हैं हां सूखने का बीज भरा हुआ जाते हैं ना ये बीज वगैरह नहीं हां वो जिस्म पे वो क्या से कहते हैं कूची अच्छा वो बन जाती है हाँ उस वो वाकई मुझे याद है कि इसमें वो भी बनती है ये बेल कहाँ जा रही है और ये किस चीज़ की बेल है ग्लो की है ग्लो की इसको ग्लो ही करती है नहीं है क्या इस पर क्या लगता है क्या फल लगता है इस पर ये वैसे ही है ग्रीन अच्छा वैसे ही है वैसे फैलेगी खुद ही होगी चलो ठीक हो गया है हमारी मस्जिद वो है इसमें नमाज ही पढ़ने जाते हैं और इतना दिल था ना क्रिकेट खेलने का लेकिन आज मेरा प्लान सारा तय हो गया यार मज़ा नहीं आना यार मैंने शॉर्ट्स लगाने का दिल कर रहा था फास्ट बॉलिंग कराने का दिल कर रहा था यानी कि अपने अपने आपको ना यानी कि 100% देना की कोशिश करता था अब क्या फ़ायदा क्या करना है मतलब जाकर पहले बंदे कौन सा खेल देता है खैर ये जो सीधा चले जाएगी वी आई पी डिब्बे हैं ये तो मेरे ख्याल से किसी की कोई वी आई पी आ रहा है इसमें क्या चक्कर है नहीं बनी है चलो खैर नहीं वी आई पी आ रहे हैं इसमें ये क्या है गाइस आप लोग देख के बताएं और ये जो मीनार है ये किस चीज़ का है आप लोगों को पता होगा कि किस चीज़ के हैं ये जी बादशाही मस्जिद है बादशाही मस्जिद यहाँ से हमारे घर से नजर भाई मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद साफ साफ यहाँ से नज़र आती है अगर मेरे मोबाइल का मेरी आंखों जैसा रिजल्ट होगा ना
तो मैं आपको पूरा वी आई पी करके दिखाता कितनी क्लियर यहाँ से नज़र आती है बादशाह मस्जिद, इतनी वी आई पी नज़र आ रही है। जैसे जैसे उसके पास एक रेस गुजरते हैं ना, जैसे उसके पास एक गुजरते इसी तरह वो नज़र आ रही है, इतनी क्लियर नज़र आ रही है, लिटरली इतना मज़ा आ रहा है ना उसको देखने का यहाँ से। यानी बंदा बाइक पे होता तो वहाँ पे सही स्कूल से देख नहीं पता, उसके पास भी तब भी नहीं देख पाता, तो यहाँ से इतना क्लियरली मतलब उसको खूबसूरती से देखा जा रहा है और साथ मीनार पाकिस्तान को देखा जा रहा है। अब तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर फ्लाई ओवर भी है, ठीक है ना, यहाँ से पता चल सकता है कि हम जब जाते हैं कितना ऊपर से टूर गया। अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रिज बनाओ हम डायरेक्ट उसके अंदर उतर जाएँ बादशाह मस्जिद के पास, ठीक है ना, कितना कम फासला है यहाँ से। कोई नहीं, खैर बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे ऊपर आके ना, ये बहुत वी आई पी मॉल है यार, बहुत वी आई पी मॉल है। आस पास जो है ना वो भी ये देखें, वो आगे मीनार है, वो मकबरा जहांगीर का टॉम है नज़र आ रहा है, वो देखें छोटा सा ये जो ऊपर है ना, ये मोटा सा जो नज़र आ रहा है, ये मकबरा जहांगीर का है, और ये यहाँ से सारा कुछ नज़र आता है, वी आई पी सारा कुछ। इसका कि यहाँ पे बड़ा ज़्यादा बेस्ट व्यू है यहाँ से, यानी कि कुछ भी अच्छी वीडियो बनानी है ना और कुछ भी दिखाना हो तो यहाँ से वी आई पी बंदा इंसान तरीके से बता सक दिखा सकता है। और अगर हमारे पास वो होती है ना, वो क्या कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, वो दूरबीन होती है, दूरबीन, तो उससे अगर हमें किसी चीज़ को फोकस करके देखना था तो उसमें और अलग मज़ा आना था। यानी कि बादशाह मस्जिद है ना सामने, जैसे अगर वो दूरबीन होती तो दूरबीन लगा के उसके अंदर कैमरे के फिट करके यार उसकी पिक्चर ली होती ना, कितना मज़ा आता यहाँ से बादशाह मस्जिद की क्लियर फोटो लेके इतनी दूर से लेने का। तो जो अब इतनी टेक्निक आ गई है ना, तो इतने अच्छे अच्छे मोबाइल्स आ गए हैं, इतने इतने बेस्ट आ गए हैं, तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि यार मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है ना ये ज़रूरत पूरी कर सकूँ, इन सारी चीज़ों को ले सकूँ और नया नया कॉन्टैक्ट अच्छे से ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट लेकर आऊँ। मुझे बस यहाँ से मतलब मेरे पास आस पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मकबरा जाएंगे साफ नज़र आता है यहाँ पर एंटर होते हुए, जो हम अंदर जाते हैं ना तो अंदर चल के जाना होता है, वो यहाँ से साफ नज़र आ रहा है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी पता नज़र आ रहा है। यानी एक बस आपके पास वी आई पी कैमरा होना चाहिए और उसका जूम एक्स अच्छा होना चाहिए। बस आप लोग उससे गुजारिश है कि बस सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना कर दें, अगर आप देख रहे हैं ना तो शेयर जरूर कीजिएगा आगे, ताकि आगे लोगों के पास जाए वो देखिए, उनको पता चले कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें इंफॉर्मेटिव मिल रहा है, कुछ अट्रैक्टिव मिल रहा है यहाँ पे, तो वो जब देखेंगे पसंद आएगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, तो मिलते हैं फिर कुछ नया करते हैं उसके बाद। ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।